हाय फ्रेंड्स, जीत स्कूल आर्ट चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के रंगोली, पोस्टर रंगोली, पोर्ट्रेट रंगोली, पेपर मेसी वर्क, डंठल आर्ट, पेपर क्राफ्ट और बच्चों के लिए ढेरों सारी एक्टिविटी लेके आ रहा हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। यदि आपको मेरा कोई भी वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे तो वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए और ऊपर कॉर्नर में जो तीन डॉट दिखाई दे रहा है उनको क्लिक कीजिए। क्वालिटी में आइए और क्वालिटी को 144 से बढ़ा के 360 या 480 कीजिए तो आपको मेरे वीडियो क्लियर दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त विश्वजीत और आज हम सीखेंगे उड़ने वाला पक्षी बनाना। तो इसके लिए अपने को चाहिए 21 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर का एक फ्लोरोसेंट पेपर, इनको आधा करेंगे, आधा के भी आधा का एक फोल्ड करेंगे। अब इनको खोल लेंगे और कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के इनको भी फोल्ड करेंगे। फिर से दूसरा कॉर्नर को भी एक जगह करके फोल्ड करेंगे ताकि एक लाइनिंग बन जाए। ये बन गए लाइनिंग। अब आधा करेंगे। आधा करने के बाद एक कॉर्नर को उठा के बीच में आधा तक के लाना है इस तरीके से। दूसरा साइड का भी लाके बीच तक के फोल्ड करना है। अब बीच में से अंगूठे की सहायता से इस प्रकार के शेप बनाना है। अब लेफ्ट साइड से एक भाग को उठा के आधा तक लेना है, राइट साइड से भी लाके आधा तक लेना है, ऊपर से भी लाके नीचे लेना है। अब इनको उंगली के साथ एडजस्ट करते हुए इस टाइप का एक शेप बना लेना है। इस भाग को थोड़ा स्लो करेंगे, जल्दी करने जाएंगे तो पेपर टूटने का ज़्यादा चांस है। दूसरे साइड में उसी तरीके से करना है, दूसरे तरफ से उठाए, ऊपर से भी लाके नीचे लिए, इनको खोल दिए। अब नीचे से उठा के उंगली की सहायता से एडजस्ट करते हुए इनको इस तरीके से एक जगह लाके प्रेस करना है। ये कर लिए। अब ये जो ऊपर का भाग है इनको एक जगह चिपकाना है, जैसे दूसरे साइड को भी एक जगह कर लिए, इस तरह शेप बनेगा। अब नीचे के जो भाग है उनको ऊपर उठाना है, इनको भी नीचे लेना है। अब इनको थोड़ा खींच के आगे लेना है, जैसे थोड़ा खींचा आगे लिए और प्रेस किए, थोड़ा आगे लिए और प्रेस किए। ये हमारा पंख का भाग है तो इनको थोड़ा सा हम थोड़ा सा प्रेस करके राउंड करेंगे हल्का सा। अब इनके होंठ बना लेंगे। होंठ और सर एक जैसा एक ही साथ बन जाता है। इनको एक ब्लैक मार्कर से आंखें बना लेंगे और इनके जो चोंच है इनको भी एक रेड कलर दे देंगे ताकि दिखने में अच्छा दिखे। ये बन गया हमारा फ्लैपिंग बर्ड, उड़ने वाला पक्षी। अब इनका गले की तरफ पकड़ना है, देखिए गले में पकड़ना है और पीछे जो पूरे भाग को पकड़ना है पीछे और खींचना है दोनों तरफ, दोनों हाथ से दोनों तरफ प्रेस करना है, खींचना है। तो इनका जो पंख है ये फ्लैपिंग होगा या हिलेगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।